नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं नोशन हब। और इस वीडियो में हम देखेंगे पोको X5 Pro के मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिए, उससे हमारे चैनल को बहुत मदद होगी। सबसे पहले हम फुल स्क्रीन जेस्चर्स को देखेंगे। जब आप फोन को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे या कॉन्फिगर करोगे, आपको 3 बटन का नेविगेशन बार मिलेगा। अगर आप चाहो तो नेविगेशन जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हैं। नेविगेशन जेस्चर्स को इनेबल करने के बाद अगर आपको होम स्क्रीन जाना है तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए। अगर आपको रीसेंट ऐप्स ओपन करना है तो नीचे की तरफ से स्वाइप करके होल्ड कीजिए और रीसेंट ऐप्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक बार स्वाइप कीजिए और आप एक स्टेप बैक जा सकते हैं। अगर आपको गूगल असिस्टेंट ट्रिगर करना है तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर से डायगनली ऊपर की तरफ स्वाइप कीजिए और गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। इस फोन में हमें और भी जेस्चर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से स्वाइप करके होल्ड भी कर सकते हैं, जिससे आप करंट एप्लीकेशन को प्रीवियस एप्लीकेशन से इंस्टेंटली स्विच भी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहो तो स्क्रीन के बॉटम पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके एप्लीकेशन के बिटवीन क्विकली स्विच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहो तो पावर बटन से गूगल असिस्टेंट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इस टॉगल को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तब गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको पावर ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक ही बार दबाना है, तब पावर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क मोड। डार्क मोड आप डिस्प्ले सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं या तो फिर टॉगल से भी इनेबल कर सकते हैं। डार्क मोड इनेबल करने के बाद सिस्टम का कंप्लीट यूआई डार्क मोड में चेंज हो जाएगा। यही नहीं, सिस्टम एप्लीकेशंस जैसे कि फोन डायलर, एसएमएस एप्लीकेशन, सेटिंग्स एप्लीकेशन और गूगल के एप्लीकेशंस जैसे जीमेल, यूट्यूब और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप, इन सारे एप्लीकेशंस का थीम लाइट थीम से डार्क थीम में चेंज हो जाएगा। डार्क मोड यूज करने से आपका फोन का बैटरी बचेगा और आपके आंखों पे स्ट्रेस भी कम होगा। नेक्स्ट हमें इस फोन में पाम का जेस्चर भी मिलता है। इस फीचर को आप कैमरा सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप फ्रंट कैमरा को या रियर कैमरा को पाम जेस्चर दिखाओगे तब आपका फोन 3 सेकंड के बाद फोटो ऑटोमेटिकली खींच लेगा। ये सेल्फीज लेने के लिए बहुत यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है बटन्स का यूज करना। उसके लिए सिर्फ आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों बटन को एक ही बार दबाना है और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट, हमें इस फोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का जेस्चर भी मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है और आपका फोन स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये पर्टिकुलर फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल है। अगर ये जेस्चर आपके फोन में काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए हमें पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। उसके लिए आप बटन्स यूज कर सकते हैं या तो फिर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जेस्चर भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक प्रीव्यू पॉपअप दिखेगा और वहां पे स्क्रोल का ऑप्शन दिखेगा। वो स्क्रोल का बटन क्लिक करने पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन मोड। स्प्लिट स्क्रीन मोड को यूज करके हम 2 एप्लीकेशन को एक ही बार यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रीसेंट ऐप्स को जाइए और जो भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करना चाहते हो उस ऐप आइकॉन पे क्लिक कीजिए और स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वो एप्लीकेशन टॉप विंडो में ओपन हो जाएगा और सेकेंडरी एप्लीकेशन आप रिकमेंडेड लिस्ट से चूज कर सकते हैं, नहीं तो होम स्क्रीन को जाके भी वहां से भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हम स्प्लिट स्क्रीन मोड को स्टार्ट कर सकते हैं और इन दोनों एप्लीकेशन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। यह स्प्लिट स्क्रीन मोड बहुत ही अच्छा फीचर है, मगर सारे एप्लीकेशंस ये फीचर को सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए एक छोटा सा फिक्स है। उसके लिए सेटिंग्स को जाना पड़ेगा, उसके बाद अबाउट फोन और यहाँ पे MIUI वर्जन पे 7 टाइम्स क्लिक कीजिए। उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। फिर से पीछे जाइए और डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्क्रोल कीजिए और यहाँ पे फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। उस फीचर को इनेबल करिए और फोन को रिस्टार्ट करिए। इस फीचर को इनेबल करने के बाद फोन को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इस डिस्प्ले का जो स्लीप टाइम होता है वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेमोरी यूसेज या मेमोरी स्टेटस रीसेंट ऐप्स पेज में दिखाना चाहते हो तो इस टॉगल को इनेबल कीजिए। नेक्स्ट, अगर आप बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क यूसेज स्टेटस बार पे दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहीं से ही बैटरी का आइकॉन जो होता है वो भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन में डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो होते हैं, डिफॉल्ट ब्राउजर, डिफॉल्ट होम लॉन्चर, डिफॉल्ट SMS एप्लीकेशन, डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर, इन सब चीजों को चेंज करना चाहते हो तो वो सब आप यहीं से कर सकते हो।
नेक्स्ट हमें इस फोन में ऐप लॉक भी मिलता है जिससे आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एड्स नहीं दिखेंगे और ये इनबिल्ट फीचर होने के कारण सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन आप चाहो उन एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं, और अनलॉक करने के लिए आप डिफरेंट पासवर्ड चूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को भी यूज करके इन लॉक्ड एप्लीकेशंस को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे इस फोन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैंने किसी इम्पॉर्टेंट फीचर को भूल गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली डिसलाइक भी कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।